तो हेलो दोस्तों, प्रणाम सलाम सत श्रीकाल जोहार। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम स्मोक ब्लेक को रैपिंग करने सिखाएंगे। इसको आप ऑनलाइन मंगा करके अपने घर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बटन को भी दबा दीजिए। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर होंडा साइन एसपी हमारे पास है, होंडा एसपी 125, और इसका जो आप देख पा रहे हैं ये स्क्रैच लगा हुआ है और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्क्रैच लगा हुआ, जो कि अभी हमने यहाँ पर एमरी पेपर से इसको घसवा के प्लेन किया है। फिलहाल इसको अभी हम यहाँ पर बिल्कुल न्यू करने वाला है, स्मोक लगाने वाले हैं, और इस पर एक ट्यूटोरियल आपको बताने वाला है कि इसको आप अपने घर में कैसे लगा सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो इसको घर में कैसे लगा सकते हैं, सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला है। तो अगर इस तरह से स्क्रैच हो, जैसा ऐसा स्क्रैच हो, तो सबसे पहले एमरी पेपर से आपको यहाँ पर घस के प्लेन कर लेना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से घस के इसको प्लेन कर लेना है। तो फिलहाल इसको हमने घस लिया है और देख पा रहे हैं बिल्कुल ये प्लेन हो गया, एक जरा सा भी हाथ में नहीं लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है। तो इसको भी हम घस के प्लेन कर लेंगे, उसके बाद अभी आपको बताते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर जो हम पेपर यूज करने वाले हैं वो स्मोक ब्लैक है, और इसको लगाने के बाद वो बाइजर बिल्कुल न्यू हो जाएगा। तो ये पेपर आपको अमेजोन पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, और उसका जो साइज होगा वो फ्रेंड्स 2 फीट का होगा, 12 इंच बाई 24 इंच आपको अमेजोन से मंगा लेना है, जिसका प्राइस फ्रेंड्स लगभग 300 रुपये के आसपास आएगा यहाँ है। और इसको इंस्टॉल कैसे करना है यहाँ पर हम सारा विधि आपको बताने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक ग्लोवर होनी चाहिए, ये गर्मी के दिन में आपका ग्लोवर कम पावर का भी रहेगा तो चलेगा। आपका जो बाल सुखाने वाला ग्लोवर है वो भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा ज़्यादा पावर का है। और एक ये बूट होना चाहिए, बूट नहीं भी रहेगा तो आप अंगूठे के मदद से ऐसा उसको लगा सकते हैं, इसका उतना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया है। और एक चाकू की आपको ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको होना बहुत ज़रूरी है। ये कोई भी स्टोर पे, स्टेशनरी स्टोर पे ये आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो चलिए फटाफट इसका ट्यूटोरियल आपको दिखाते हैं इसको लगाना कैसे। तो दोस्तों अमेजोन से जो आप पेपर मंगाएंगे वो आपको ये साइज में आएगा, ये आपका 12 इंच है और इधर से आपका 2 फीट है, यानी कि 24 इंच है, इतना साइज में आपको आएगा। और ये जो पेपर आप अमेजोन से मंगाएंगे तो इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं, वहाँ से आप क्लिक करके मंगवा सकते हैं। और इसको बहुत आसानी से कैसे लगा सकते हैं इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसका जो साइज है, आपको यहाँ पर ये साइज उसका 14 इंच का है, लेकिन आपको 15 इंच यहाँ पर 15 या 16 इंच आपको काट लेना है। चलिए हम यहाँ पर 16 इंच काट लेते हैं। तो 16 इंच में दाग देके आपको यहाँ पे काट लेना है, 1 इंची का भी आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगा, इंची ना हो तो कोई भी चीज़ से आप काम चला सकते हैं। और ये 16 इंच में आपको काट करके इसको हटा लेना है। और ये जो पेपर बचता है, ये पेपर आपके बाइजर में लगेगा बहुत आसानी से। तो इसके लिए आपको ये 3 लेयर में आप देख पा रहे हैं, एक लेयर इधर का होगा, यहाँ पर कहीं पर होगा एक लेयर, देखिए ये पहला लेयर है, तो 3 लेयर है। तो आप तीनों लेयर, दोनों लेयर को आप निकाल लिए, तो ये लेयर को हम निकालते हैं तो यहाँ पर गम है, यानी कि गम इधर वाला है, तो आपको पलट लेना है, और जिधर गम है उधर ही आपको निकालना, ट्राई करना है कि गम किधर है पहले। तो इस साइड में गम है, लट्ठा जो है इस साइड में है, तो इसको हम पहले निकालते हैं यहाँ से इस तरह से, देखिए इसको इस तरह से आपको याद रहे, ये खड़ा रहेगा, ये चौड़ा रहेगा, तो इधर से ही आपको आधा निकालना है, ये खड़ाई से नहीं निकाल, इधर से नहीं निकालना, इधर से आपको आधा इसको ऐसे निकालना है, और इस पेपर को आधा निकाल करके यहाँ तक लाना है, और यहाँ तक ला करके फिर इसको आपको ऐसे बीच से काट लेना है एकदम। ये सब चीज़ प्रोसेस को आप लोग ध्यान दीजिएगा तभी आप ये लगा पाइएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत इजीली आप लगा सकते हैं इस प्रोसेस में, जैसा हम यहाँ पर बता रहे हैं। उसका ये आधा कट गया, आप देख पा रहे हैं ये कट गया, अब इसको इधर से उठाना है और इसको उधर से उठा करके ला करके यहाँ पर बहुत आसानी से इसको बिठा देना है। अब क्या होगा कि आप जब इसको बीच में वहाँ पर लगाएंगे तो ये वाला पेपर जो इधर हमने आधा काटा है, यहाँ से आप इसको जो है इस तरह से इसको निकाल करके, देखिए इसको ऐसा निकाल करके आप बीच में बहुत आसानी से इसको बिठा दीजिएगा, लगा दीजिएगा, और फिर इस साइड जो है इस साइड घस घस के पूरा बिठा लेना है। उसके बाद इधर का जब बैठ जाएगा उसके बाद फिर ये वाला निकाल के उधर लगाना है। अगर आप पूरे में एक बार निकाल देते हैं और पूरे में लगाते हैं तो बार बार जो आप हाथ से टच करेंगे तो इसका गम जो है ख़राब हो जाएगा, तो वो बहुत अच्छे से पकड़ नहीं बनाएगा। ये असली तरीका है, जो तरीका यहाँ पर हमको आपको बता रहे, ये ओरिजिनल प्रोसेस इसको लगाने का, आपका जो है लगने के बाद में ये कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये प्रोसेस अगर आप लगाएंगे तो आपका सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाया हमने कि इसको आपको काट लेना है बीच से, और काट के देखिए इस तरह से इसको आधा आपको निकालना है ऐसा, इधर से ऐसा निकाल करके, और इसको देखिए ये आधा निकल गया, यहाँ देख लिया आधा निकल गया, और इसको बीच में बैठाना, देखिए एकदम बीच में बराबर करके ऐसा ये बैठाना है, इधर भी बराबर निकल गया और इधर भी देखिए इधर भी आपका इतना आएगा। तो देखिए सटेगा कहाँ तक, यहाँ से सटेगा, देखिए यहाँ से इसको सटना है। तो इसके लिए आपको एक आदमी का जरूरत पड़ेगा, उसको ऐसे पकड़ाना है, देखिए ये पकड़ रहा है, यहाँ पर आपको होल्ड गन यहाँ पर ऐसे बीच में मारना है, ऐसा
नहीं है तो आप अंगूठे से ऐसे बैठाएं, और अगर बूट है तो बूट का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। फिलहाल अभी आपको अंगूठा दिखा रहे हैं, हम अंगूठा दिखा नहीं रहे, मतलब अंगूठा से बता रहे हैं। ये आप डायरेक्ट यहाँ से हाथ न दें, आप जो है यहाँ से इसको पीछे करें और ये पेपर को पकड़ के, और इसको इसीलिए इसको रहने दिया हमने ताकि यहाँ पर गम खराब ना हो, इसको पेपर को पकड़ के ऐसा करने, ऐसा पकड़िए इसको पकड़ के, और इसको फिर नीचे वाला को, ये नीचे वाला को थोड़ा सा और निकाल लेना है, और इसको बहुत आसानी से इस तरह से करना है। इस तरह से अगर यहाँ पर देख पा रहे, यहाँ दिखाओ, ये एयर रह सकता है, तो ये एयर को आप ऐसे निकाल के भी हटा सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप ऐसा चाकू हल्का सा कोना मार के इसको ऐसा करके इसको आप निकाल सकते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। ये दोनों प्रोसेस में ये ख़त्म होता है, हल्का सा एयर जो है इसका निकाल देने से ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसको दिखाएंगे अभी, फिलहाल अभी इसको छोड़ देते हैं, हालत ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए कि इसको आप उठा करके ही ऐसे उठा करके कर ले। जैसे यहाँ पर देखिए एयर रहा हुआ, इसको ऐसे उठाइए और इसको ऐसे करके ऐसे बैठा दीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो देखिए ये इधर कंप्लीट हो गया, उसी प्रोसेस से आप सेम प्रोसेस इधर इस्तेमाल करना है, इसको ऐसे उठाना है और ये वाला आपको इधर से निकालना है, और फिर जैसा उधर हमने बताया वैसा इधर से एक आदमी को पकड़ा देना है। इसको यहाँ पर आपको बूट का जरूरत पड़ सकता है, अगर आपके पास बूट नहीं है तब यहाँ पर आप अंगूठे से नाखून से इसको ऐसा बैठा ले, बहुत इजीली ये बैठ जाएगा। और ये चाकू को ना ऐसे खड़ा रखना ना ऐसे खड़ा रखना, बीच में जो कोना है उसके बीच में आपको खड़ा रखना है और इसको आसानी से ऐसे काट देना है, तो आपको किधर भी दाग नहीं लगेगा। और ये दोस्तों ये बाइक तो हमने बताया कि ये बाइक यहाँ पर पहले से पेंट किया हुआ था, इसलिए तो यहाँ पर जो फाइबर रहता है, तो आपको ये होंडा साइन बाइक एसपी में अगर करना है तो यहाँ से आपको कट करना होगा, लेकिन इसको हम यहाँ से करेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले से पेंट किया हुआ था, हमने बताया ये पहले से पेंट किया हुआ था। और क्यों पेंट किया हुआ था इसका पूरा डिटेल्स जो है एक दूसरा वीडियो में आपको मिल जाएगा, और ये बाइक पुरानी है और कैसी पुरानी है इसका भी हम पूरा डिटेल्स इस दूसरे वीडियो में खुलासा कर देंगे। तो आपको यहाँ पर ऐसा होट कर मार के इसको जो है ऐसा नीचे की तरफ टान देना है बैठा, तो यहाँ तक कवर हो जाएगा और ये बाद में यहाँ से निकलेगा नहीं, कभी भी नहीं निकलेगा ऐसे करके ऐसे। तो दोस्तों इस तरह के प्रोसेस इस्तेमाल करके ये फाइनल हो जाएगा, और फाइनल लास्ट में आपको ऊपर का लेयर निकाल देना है तो ये फाइनल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो बाइक आप सामने देख पा रहे हैं होंडा साइन एसपी, तो ये बाइक जो है शोरूम से न्यू परचेज किया गया है, लेकिन कस्टमर को पुराना थमा दिया गया है। ये रिपेंट बाइक है, और ये कैसे रिपेंट बाइक है आपको एक इसका दूसरा वीडियो में इसका प्रूफ के साथ हम आपको समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं, और शायद आपके साथ भी आपको भी कहीं पुराना बाइक तो नहीं दिया गया है, ये सारा डिटेल्स जो है हम दूसरे वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो आने वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बटन को भी दबा दीजिए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।